किसान जागरूकता अभियान के तहत फेकेरी तिलसानी कुंडम में तहसील स्तरीय किसान गोष्ठी संपन्न। किसानों के विद्युत एवं कृषि समस्याओं का स्थल पर ही निराकरण करने का किया गया प्रयास। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मंगलवार 26 अक्टूबर को कुंडम तहसील के तिलसानी में तहसील के किसानों की बैठक आयोजित की गयी, जिसमे तहसील के कृषक प्रतिनिधियों एवं कृषक सेवकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस बैठक में उपस्थित कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी सुनील पिल्लई, बिजली विभाग के उपयंत्री श्री आर एम राव, उपयंत्री बघरा जी, रंजन पांडे, थाना प्रभारी आरती मंडलोई ने किसानों की समस्याओं को धैर्य पूर्वक सुना व समस्याओं का स्थल पर ही निराकरण कर किसानों को सहायता प्रदान की। कुंडम तहसील के कृषक बिजली की समस्याएं से अधिक त्रसित हैं। किसानों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए रोष भी व्यक्त किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि किसानों की समस्याओं के हल किए जाने की मांग को लेकर किसानों का प्रतिनिधि मंडल वित्त विभाग के अभियंता एवं ईडी से भेंट करेगा। अधिकारियों ने अपने उद्बोधन में किसानों को आश्वस्त किया, वे अन्नदाता हैं, वो उन्हें भोजन देते हैं, उनके कार्यालयों में उनका पूरा सम्मान मिलेगा, उनकी समस्याओं को न केवल सम्मान पूर्वक सुना जाएगा वरन उनका त्वरित समाधान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान भाई कभी भी अपनी समस्याएं सीधे उन तक पहुँचाने में संकोच न करें। वहीं भारत कृषक समाज महाकौशल जोन के अध्यक्ष और किसान सेवा सेना के संरक्षक के अग्रवाल दादाजी ने कहा कि किसान अब अपने हकों और हितों के प्रति सचेत हो रहा है। अधिकारियों की उदासीनता अब कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उन्हें दफ्तरों के बाहर निकाल कर मैदान में उतरकर किसानों को सहयोग करना ही होगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अर्जरिया सहित हजारों की तादाद में किसान, कृषि सेवक और कृषक प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में दिल्ली में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। कार्यक्रम की अध्यक्षता नन्हेलाल धुर्मे और संचालन जितेंद्र देसी और आभार प्रदर्शन राजेश सोनी मदन पटेल के द्वारा किया गया। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं रिपोर्ट, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। मतलब सम्मान मिलेगा किसानों को और किसी और हर प्रकार की सुरक्षा मिलेगी। क्या बात, थोड़ा समय का अभाव है इसलिए मुझे जाना। अपना पर्चे वहां का गांव का भी कहां पूरा बता जी थोड़ा सा। हरदा डिस्ट्रिक्ट ग्राम मसल गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे पिताजी भी कृषक हैं। और हमारा पूरा हरदा डिस्ट्रिक्ट कृषि लेवल पर मतलब अव्वल है अपने मध्य प्रदेश में। माफी जी भी रहता आप उपजाऊ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारा जो जैसे कुछ समस्या स्थाई पंप का जैसे बताए थे, जैसे जैसे नियम आता है उस हिसाब से काम करते हैं। बीच में 500 मीटर तक के तारे तक का सबको स्थाई कनेक्शन दिया गया था, जितनी भी अस्थाई कनेक्शन है उसको रेगुलर किया गया था, वो स्कीम अभी बंद है। अभी से 45 मीटर की दूरी वाला है, 45 मीटर के ऊपर जो जितना जिसमें एक खंबा लगेगा, जैसे एक या दो खंबे लगेंगे उसमें स्थाई हो जाता है। उस हिसाब से आप लोग आवेदन करेंगे स्थाई कनेक्शन तत्काल। जो ट्रांसफॉर्म फेलियर का है उसको मैं डिटेल देती हूँ तत्काल। तीन मिनट तालियां, जोरदार तालियां। आप लोग पूरी कर दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोग से। और अग्रवाल साहब सबको बता दें, मेरे कार्यालय में कोई भी किसान भाई कोई भी आता है मैं इंटरेस्ट से उनको बिठाता हूँ। ये पंचम लोग तो आते रहते हैं और हमारे पादन के भी पुराने जो किसान भाई लोग हैं जी जी, तो ये सब मेरे को जानते हैं। तो मैं इससे ही कहूंगा, या किसी से संबंधित किसी तरह की कोई भी जानकारी है या कोई भी प्रॉब्लम हमारा स्टाफ से है तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और मुझे जाना है सर, तो आप लोग से चालू रखें क्या? और दुआएं बटोर के लाए हैं, ऐसे किसानों की बदुआएं लगेगी आपको। अगर इनके दिल से आंसू आ गए आपके आपस में, इनके दिल के आंसू अगर निकल आए, मैं चाहता हूँ हमारे किसान का आंसू न निकले आपके आपस में। और हमारे राज साहब ने ये वायदा किया है कि हमारे किसी किसान के आपका आंसू और उनकी बदुआएं किसी भी अधिकारी को ना लगे। मैं भगवान से यही मांगते मांगते थक गया हूँ और मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे किसान के आपका आंसू ना निकले, ये आगे से आप ध्यान रखिएगा।